ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज 24 में, मैं हूं कृतिका। कोविड-19 कोरोना आपदा लॉकडाउन के 55वें दिन भी मानव कल्याण में लगे हुए नरेंद्र बौद्ध अध्यक्ष युद्ध बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया YBS महाकारुणिक बुद्ध विहार सिमवार मोड़ बिंदायका जयपुर राजस्थान अध्यक्ष युवा समाज सेवी नरेंद्र बौद्ध के नेतृत्व में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद मजदूर असहाय लोगों को अब तक 70,000 पैकेट भोजन दान व 1,719 राशन किट व ज़रूरतमंद परिवार को बिस्कुट दूध दान किया जा चुका है। नरेंद्र बौद्ध अब किसी पहचान के मोहताज नहीं रहे, अब इन्हें पूरा देश युवा समाज सेवी खाना वाले के नाम से जान गया है। नरेंद्र बौद्ध द्वारा दान करके मानव कल्याणकारी कार्य कर मानवतावादी धर्म निभा रहे हैं। आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के हित के लिए सोचे, पर नरेंद्र बौद्ध तथागत बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए मानव कल्याण में लगे हुए हैं। यही बुद्ध ने बोला था कि भोजन दान सबसे बड़ा महादान होता है। भूखे को भोजन देना, बीमार को उपचार देना, यही बुद्ध का मार्ग है। यह सब देखकर राजस्थान सरकार ने काफ़ी सराहना की व देश की बड़ी बड़ी संस्था ने सम्मानित किया है। कोविड-19 आपदा के दौरान 23 मार्च से अब तक बिना रुके भोजन दान कर मदद करते आ रहे हैं युवा समाज सेवी नरेंद्र बौद्ध ने। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन दान करके देश में एक अच्छी मिसाल कायम की है। बता दिया है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना सीख लेंगे उस समय आपसी भाईचारा कायम रहेगा। इस समय पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में हम सभी को मदद करनी चाहिए और आम जन को सरकार के बनाए नियम का पालन करना चाहिए। नरेंद्र बौद्ध का कहना है कि देश में जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक भोजन दान करते रहेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए बच्चू सिंह बौद्ध के